हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आए थे यहाँ, खेत पर आए थे। ये दूसरों का खेत है, मेरा खेत नहीं है, किसी और का है, पर घूमने आए थे यहाँ पे। तो ये दाऊ हैं, ये इन्होंने कुछ देखा है, तो चलिए बताए क्या देखा दाऊ आपने। जंगली सुअर देखा है। जंगली सुअर देखा है इनने, तो चलो हम बताते हैं जंगली सुअर ने खेत की क्या हालत की है। वाह, दिखाते हैं। देखो ये की है जंगली सुअर ने हालत खेत की। देखिए पूरा खोद दिया है ये। उनके सींग रहते हैं यहाँ पे, नाक के यहाँ पे सींग रहते हैं, तो सींगों से खोदा है ये। जंगल के पास जो गांव रहते हैं, मतलब खेत रहते हैं जंगल के पास, वहाँ तो मार भी देते हैं जंगली सुअर को करंट लगा के, पर यहाँ पर उसके चलने के ये निशान हैं। ये हैं, ये चलने के निशान हैं उसके। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा घूमता रहा है, और देखो ये निशान आराम से दिख जाएंगे आपको। देखिए ये और ये नाइट रेस्ट हाउस है उनका ये। जंगली सुअर में एक खास बात होती है कि वो मुड़ नहीं पाते, मतलब उनके लिए चाहिए 500 मीटर की एरिया चाहिए, तब वो थोड़ा सा मुड़ेंगे, नहीं तो नाक की सूद में सीधे जाते हैं वो। और इतने पावरफुल होते हैं कि दीवार, मकान की दीवार, मतलब स्पीड से आ रहे हों अगर, तो मकान की दीवार आर पार करके चले जाएंगे। ओ भाई ये क्या है? जो पेड़ में जड़ रहती हैं, पेड़ों के अंदर नीचे, वो खाता है, और मूंगफली खाता है, और भुंडा खाता है, ये फल फ्रूट खाता है। ये पौधा है, ये पेड़, मतलब ये घास है एक प्रकार से, तो इसे बोलते हैं गोंदला। इसका नाम गोंदला है, और यही खाते हैं जंगली सुअर। तो यही खोदा है, यही खोद खोद के इसकी जड़ें खाई हैं उनने। और ये पूरा खाते ना? नहीं, जड़ें बस खाते हैं, इसकी जो जड़ है ये खाते हैं। देखिए जड़ है तो ये मिट्टी नहीं, जड़ बस खाते हैं वो साफ करके। तो वहाँ यही लगा था, अच्छी घनी घास लगी थी ये वाली गोंदला, तो यही खाई है उनने। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, और लाइक तो कर ही दोगे, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।